हेलो बच्चों, सो फाइनली नीट का रिजल्ट आ गया एक लंबे इंतज़ार के बाद, और रिजल्ट थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहा। ये हम देख रहे हैं, सब हम अभी तक जो डेटा हमारे पास आ रहा है हम देख रहे हैं। लास्ट ईयर हमने जो देखा था 1500-1600 का रैंक 650 के मार्क्स के लपेटे में था, इस बार ऐसा नहीं है। 647 पे ये रैंक 4000 तक भी टच कर रहा है। सो इसका मतलब इस बार हायर ब्रैकेट में बच्चे ज़्यादा हैं। सो अब जो रिजल्ट आ गया, इसके बाद क्या करना है, किस रैंक पे क्या मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपको कौन से कॉलेज के बारे में पता करना है, ये मैंने पहले भी कहा है और आप ये अपने इस चैनल के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, जिससे मैं आपको वो आपकी क्वेरी बता दूंगा। लेकिन बच्चों अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत शॉर्ट में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब कई बच्चे जिनका आ गया है, अब उनकी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है, अब लड़ाई शुरू होगी असली, तो उनको वहाँ पर जाना है। AIQ कोटा क्या है, काउंसलिंग कैसे, उसके बारे में बताता रहूँगा। तो क्या करना है, ये बहुत शॉर्ट एक वीडियो है। जिन बच्चों के मार्क्स 600 से प्लस है, बधाई हैं आपको बहुत बहुत। और आप बच्चों, अब कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या कट ऑफ है, क्या कैटेगरी है, वो सवाल आप यहाँ पर डाल सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो आपकी सारी जानकारी दे दूंगा। और काउंसलिंग के 2 राउंड होने हैं, है ना, ऑल इंडिया कोटा के लिए, वहाँ कैसे फिलिंग होनी है, जो भी आपकी क्वेरी है वो आप यहाँ डाल सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। सो हमारी अब कॉलेज को किस तरह से सिलेक्ट करना है, कैसे आगे काउंसलिंग का प्रोसेस है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। जो बच्चे 450 से 600 पे आ रहे हैं, बच्चों अब हमें थोड़ा वेट एंड वॉच भी देखना पड़ेगा काउंसलिंग के अंदर, हमें कौन सा कॉलेज मिल रहा है। कट ऑफ की जहाँ तक बात है, जैसा हम जानते हैं आखिरी बच्चे को जो सीट अलॉट होगी उसके हिसाब से कट ऑफ हम तय कर सकते हैं। अभी बोलना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे भी प्रेडिक्टेड लाइंस पे नहीं चल रही हैं चीज़ें। सो इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच। लेकिन ये जो कैटेगरी हम बात करते हैं 450 से 600 के बीच में जो बच्चे हैं, अब आपके माइंड में अगर डायलमा है कि बच्चों की, सर क्या हम अब ड्रॉप कर लें या कुछ कर लें, मेरी एक बात बहुत सीरियसली समझो, करियर डिसीजन कभी भी जज्बाती होके नहीं लेना है। लिसन टू दिस केयरफुली, करियर डिसीजन आप इमोशनल होके मत लीजिए। आज रिजल्ट आया है, आप हो सकता है परेशान भी हों, थोड़ा टेंस हों, दुखी हों, चल सकती है ये बात। जो बहुत खुश हैं, नंबर अच्छे आ गए तो भी बहुत खुश होने के लिए भी आप एंजॉय कर सकते हैं, सब कुछ करें, बट आगे की ज़िंदगी में भी थोड़ा सोचें। और जिनके नंबर नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, परेशान मत हों, दिमाग पहले शांत कर लें। फैसला तभी लेना जब ना तो बहुत ज़्यादा खुशी के आवेश में फैसला सही होता है, ना ही दुख के समय। तो आप दोनों ही चीज़ें मत लीजिए, अभी थोड़ा सा रुकिए। ड्रॉप लेने का फैसला, दोबारा से ड्रॉप लें, हम और कुछ करेंगे, वो काफ़ी मुद्दों पे डिपेंड करेगा। पहले 450 से 600 वाले और 300 से 450 वाले, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी बच्चों? देखो ऑब्वियसली बात है, काउंसलिंग के लिए तो बैठना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल बैठिए, कॉलेज में क्या चल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मैं आपको बिल्कुल दूंगा अभी। लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, और ध्यान रखना बहुत जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना कि मैं तो अब ये कर लूँगा वो कर लूँगा, नहीं, थोड़ा वेट करो, अभी शाम को रिजल्ट आया है, दिमाग थोड़ा शांत होने दो। फिर वो एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, करियर के डिसीजन जज्बाती होके मत लेना, इमोशनली होके नहीं लिए जाते करियर डिसीजंस। 450 से 600 वाले हम थोड़ा देखेंगे कौन से क्या मिल सकता है, जैसे मुझे लग रहा है कुछ स्टेट काउंसलिंग के अंदर 590-580 के अंदर हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज आई एम टॉकिंग अबाउट। सो वो कितना नीचे जा सकता है किसी स्टेट में, लाइक महाराष्ट्र आई कैन अभी तक जो मैंने डेटा देखा है 580-590 के अराउंड आपको आ सकता है। बाकी और मैं इस पर भी थॉरली किसी बच्चे को चाहिए तो आई विल सर्च और आपको बता दूंगा कि किस नंबर पे क्या रैंक और कैसे क्या बन रहा है। सो नेक्स्ट इज दिस बच्चों, 450 से 600 वाले बच्चों के लिए, देखो 600 प्लस वाले के लिए तो है ही ऑब्वियसली बात है, काउंसलिंग में हम शर्तियाँ बैठी रहे हैं, कोई दो राय इसमें है नहीं, और हम कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। 450 से 600 वाले के लिए हमारे पास है वेट एंड वॉच, लुक फॉर सम गुड मेडिकल कॉलेज, काउंसलिंग में बैठ रहे हैं। 300 से 450 में भी हमें फॉर्म तो नॉर्मल वैसे ही भरने हैं, चांसेस अनफॉर्चुनेटली बहुत कम हैं। हमारे सामने भी है, हम ड्रॉप लेंगे, दोबारा तैयारी करेंगे, 2022 के लिए जाएंगे, तो एक बात याद रख लो बच्चों, मेहनत बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो हम देख रहे हैं ऑनलाइन भी हमारे पास अब रीचेबल है बच्चों के लिए। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए बहुत कुछ है, टाइम बर्बाद नहीं करना है,
पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत कुछ है, बट क्या वाकई में हम उस चीज़ के लिए जा सकते हैं? कुछ तीखे सवाल अपने आप से करने होंगे, तभी हम ड्रॉप के लिए जाएं या ना जाएं ये फैसला लेंगे। क्या और डिफरेंट ऑप्शन में जा सकते हैं? क्या कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसके थ्रू अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज नहीं ढूंढने हैं, आज नहीं ढूंढने हैं। आज दिमाग को शांत करके ये एनालिसिस करना है कि अगर कोई चूक हुई है तो कहाँ हुई है। दूसरों पे आरोप लगाना तो ठीक है, बट चूक तो हमसे हुई है, ये हमें देखना पड़ेगा बच्चों। तो आज सेल्फ एनालिसिस का डे है। रोने से काम नहीं चलेगा, देखो आगे तब बढ़ोगे जब अपनी गलतियों को अपने आप स्वीकार करके उनको क्यों हुई है उनके पूरे जड़ में जाओगे, तभी हो सकता है। मेरी सलाह बच्चों ये है कि अभी ये सोचो, सेल्फ एनालिसिस करो, क्या गलती हमसे रह गई, ये एनालिसिस करो बस, और शांत दिमाग से, परेशान होके नहीं, घबरा के नहीं, कोई दुखी होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। शांत दिमाग से आज का डे है कि आप सेल्फ एनालिसिस करो। जिन बच्चों के 300 से भी कम है, बच्चों सेल्फ एनालिसिस तो करना ही है, जो ये बच्चे हैं वो आपको भी करना है, बट अब कड़वी सच्चाई के बारे में सोचो। मैं आपको सही बताता हूं, कोचिंग्स, स्टडी मटेरियल, गाइडेंस तभी काम करती है जब आप तैयार हो, हथियार तभी चलेगा जब आप तैयार हो। 300 के नीचे अगर मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम है, और ये रियलिटी है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मीठी मीठी बातें करके चाशनी में घोल के देने से मैं आपको कुछ कह दूं और मैं बहुत मोटिवेशनल बात कह दूं कि नहीं तो ये कर लेगा वो कर लेगा, नहीं बेटा, रियलिटी सोचो। मेरी आईज वीक हैं जैसे फॉर एग्जांपल, सो मैं कितना भी टेक्निकली इसको एडवांस कर लूं, मतलब बहुत बढ़िया चश्मे मंगा लूं मैं, बहुत अच्छे शीशे लगा लूं, बहुत कुछ कर लूं, लेकिन फंडामेंटली अगर मेरी आईज ख़राब हैं तो ये सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, 300 से नीचे अगर नंबर है तो फंडामेंटली वीक हो, और अगर फंडामेंटली वीक हो तो अब बहुत आराम से सोच के सही एडवाइस लेके अगला फैसला लेना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि तुम्हें सही एडवाइस दे पाऊँ तो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं इस वीडियो के, मैं आपको डेफिनेटली, थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों के, मैं थोड़ा लेट नाइट ही आपके पास वीडियोज लेके आ पाता हूँ, सो इस तरीके से। लेकिन अभी घबराने की, आंसू बहाने की, कमज़ोर होने की बात नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। धक्का लगा है, ठेस लगी है, इस बात को नोट करो, ठीक है, क्यों लगी एनालिसिस करो, फिर आगे चलते हैं। काउंसलिंग के लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए बच्चों, आपको मेरे से कोई जानकारी चाहिए आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, किसी भी तरीके से कुछ चाहिए आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। जो बच्चे डिसाइड करना चाह रहे हैं कि ड्रॉप लें ना लें इन सब बातों के ऊपर, एंड इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन डिफरेंट वेक्टर, वैसे तो मैंने काफ़ी इस चैनल पे बताया है, फिर भी चाहते हो तो मैं बता दूंगा। और आज का दिन सिर्फ दुखी होकर आंसू बहाने का नहीं है जिनका नहीं हुआ है, सेल्फ एनालिसिस करने का है, और जिनका हो गया है सिर्फ खुशी मनाने का भी नहीं है। बिल्कुल दिमाग को स्थिर रख के आगे की प्लानिंग करनी है। लास्ट में फिर एक बात रिपीट करूंगा, करियर के फैसले जज्बाती होके नहीं लिए जाते, इमोशंस पे काबू रख के स्थिर दिमाग से आगे सोचो। विद दिस नोट, काउंसलिंग के ऊपर और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, कुछ और चाहिए वो आप देख सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, जिंदगी है चलती रहती है, हर चीज़ जिंदगी का हिस्सा होती है, जिंदगी नहीं होती। ऑल द वेरी बेस्ट।